नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि वालों, दोस्तों पाप का लोटा भर चुका है और अब सितंबर के महीने में आपकी सातवीं घटनाएं होने वाली है जिन्हें जानकर आप रो नहीं पाएंगे। जी दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर के माह में ग्रहों की बहुत ही शुभ स्थिति बनने वाली है। ये दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से आपको तरक्की नहीं मिल पा रही थी, आपको वे कार्यों का फल नहीं मिल पा रहा था जिनके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे थे। जी दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि सितंबर के माह में आपकी किस्मत पलटेगी और दो ग्रहों का बहुत ही शुभ स्थिति होने से सितंबर की शुरुआत से ही आपके जीवन में खुशी आना प्रारंभ हो जाएगी। जी दोस्तों, बशर्ते आप सभी से निवेदन करते हैं कि शुरुआत में आप कोई भी गलती ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि महीने की शुरुआत कैसे करें, किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा, पूरे महीने में कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से इस महीने में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, इस महीने में जो ग्रहों के गोचर होंगे इनके अनुसार आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार, क्या बड़े चमत्कार होने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यश में आय और व्यय की समानता बनी रहेगी। अगर स्थान परिवर्तन समय कोई योजना बन रही है तो दोस्तों उससे संबंधित काम बनने की उचित संभावना बन रही है। यह समय सोच विचार तथा आत्मनिरीक्षण करने का उचित समय होगा। आप अपनी कार्यकुशलता व फिर समझदारी द्वारा सुखद परिणाम भी हासिल करने में यह समय सक्षम रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में कोई भी निर्णय तुरंत लेने का प्रयास करें, अन्यथा समय जो है आपके हाथ से निकल सकता है। भाइयों के साथ किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना होने दें, अन्यथा इसका नकारात्मक प्रभाव घर की व्यवस्था पर भी पड़ेगा। इस बात के यश में आप ध्यान रखें और अहम को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ये आपके लिए यश में नुकसानदायक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपके मिले हुए नए अवसर का फायदा आप उठा भी पाएंगे, बशर्ते आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी, कार्यों पर लगन रखने की आवश्यकता होगी। आपका अध्यात्म की तरफ जो झुकाव है यश में बढ़ सकता है। पैसे की आवक बनी रहेगी। आपको बता दें कि जिन व्यक्तियों के साथ आप अपने विचार बांट सकते हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ अधिक वक्त बिताने की आप यश में कोशिश करें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी तथा कुछ पुरानी स्मृतियां भी ताजी होंगी। आपको बता दें कि समय भाग्योदय कारक होगा। अगर कोर्ट के संबंधी कोई भी मसला चल रहा है तो दोस्तों यश में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक रह सकती है। साथ ही दोस्तों यश में किसी को बिन मांगे सलाह ना दें, अन्यथा इसका खमियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, तो इस बात पर गौर करें। अपने गुस्से पर भी आपको काबू रखना होगा। दोस्तों ये जो समय आपके लिए बाहरी गतिविधियों तथा मेल जोल से दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर होंगे। संतान की किसी समस्या में आपका सहयोग उनके लिए लाभदायक रहेगा, तो इन पर जरूर ध्यान दें। और यश में दोस्तों आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपको मिली हुई प्रगति की वजह से परिवार के सभी व्यक्तियों को गर्व महसूस होगा। आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जागरूकता भी दिखाएंगे। आपसे छोटे व्यक्तियों को आपके मार्गदर्शन की सहायता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में कई प्रकार की लाभदायक व फिर खुशी भरी परिस्थितियां बन रही है। आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें तथा पूरी ऊर्जा एकत्रित करके अपने कामों पर ध्यान लगाएं। दोस्तों पिछले कुछ समय से चल रही समस्या का निवारण होने से घर परिवार में खुशी और फिर सुकून भरा माहौल रहेगा। बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रतिबंध न लगाएं, इससे दोस्तों उनके मनोबल में कमी आ सकती है। नकारात्मक बातों को अपने ऊपर यशमी हावी न होने दें तथा समझदारी व फिर शांति से काम लें। गुस्से व फिर जल्दबाजी से परेशानियों और भी बिगड़ सकती है, तो इस बात पर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यशमी आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको नई बातें सीखने की आवश्यकता भी होगी। जीवन भले ही अभी आपको स्थिरता महसूस हो रही है, लेकिन आर्थिक प्रगति एक जैसी ही रहने के कारण भविष्य में आपको इस बात का तकलीफ भी हो सकती है। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें यश में ग्रह स्थिति आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, जो कि आपको परिस्थितियों से जूझने में शक्ति प्रदान कर रही है।
कोई पॉलिसी अथवा आदि मैच्योर होने के कारण धन संबंधी कुछ योजनाएं भी बनेंगी। दूसरों से मदद लेने की अपेक्षा अपने कार्य प्रणाली पर विश्वास रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। इसके साथ दोस्तों, यश में अपने व्यवहार में लचीलापन जरूरी है। किसी बात पर ज़्यादा जिद्दी होने के कारण निर्णय उलझ सकते हैं, तो इस बात पर ध्यान दें। साथी दोस्तों, यश में दिखावे की प्रवृत्ति के कारण बिना सूझे समझे फिजूल खर्ची ना करें। साथी आपको बता दें कि काम की अधिकता का बोझ आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपका अधिकतर वक्त केवल आपके विचार और आलस में भी बीत सकता है। आपको अपनी क्षमता को पूरी तरह से आजमाने की कोशिश करनी होगी। अपने व्यक्तित्व गुणों से आप लोगों के साथ अच्छे संबंध भी बना सकते हैं, इसलिए इस बात का फायदा अपने काम के लिए करने की आप कोशिश करें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में आपको अपने द्वारा की गई मेहनत के उचित परिणाम भी हासिल होंगे, परंतु किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से कोई नुकसान होने की आशंका भी बन रही है। दोस्तों, यश में कोई रुका हुआ सरकारी काम किसी राजनीतिक व्यक्ति की मदद से हल भी हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में यश में कुछ महत्वपूर्ण मौके भी आपको प्राप्त होंगे, तो दोस्तों सभी काम स्वयं ही व्यवस्थित करने का प्रयास करें, अन्यथा दोस्तों आपके द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय कोई और भी ले सकता है। दोस्तों, यश में बाहरी संपर्कों से भी बिजनेस मिलने की संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसायिक गतिविधियों में पिछले कुछ समय से जो भी गलतियां थी उनमें सुधार आ रहा है, लेकिन दोस्तों अभी स्थिति समान ही रहेंगी। लाभ के स्रोत भी बनेंगे, परंतु मंदी गति से। नौकरी सेवारत व्यक्तियों को भी अपना टारगेट पूरा करने से उन्हें प्रोत्साहन भी यश में मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में व्यवसाय में कार्यों में कुछ रुकावटें भी आ सकती है, परंतु दोस्तों कुछ समय के बाद परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाएंगी, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी से संबंधित कार्यों में स्थिरता रहेगी और जल्दी ही इसमें तरक्की के योग भी बनेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपकी अगर लव लाइफ की बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पति पत्नी के बीच अहम का टकराव आ सकता है, जिसका असर घर की अस्वस्थता पर भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि दोस्तों अपने स्वभाव को समित रखें, इनसे आपके घर के व्यवस्था में सुधार आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें घर तथा व्यवसाय दोनों जगहों पर उचित सामंजस्य बनाए रहेगा। शादी परिवार का कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके मार्गदर्शन से पूरा हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पारिवारिक वातावरण यश में खुशनुमा बनाने के लिए एक साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें तथा मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बनाएं, इससे दोस्तों परिवार में वापस सकारात्मक माहौल बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां आने वाली है तथा घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बन सकता है। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का उचित सम्मान करें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें, अर्थात आपकी सेहत की, तो दोस्तों यश में काम के बीच बीच में आराम भी आप लेते रहें। यश में सिरदर्द व माइग्रेन की परेशानी भी आपको हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज लोग अपना विशेष ध्यान रखें तथा सर्दी से अपना उचित बचाव रखना यश में आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों अगर आप सावधानी को रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु तरल पदार्थों का सेवन यश में उचित मात्रा में करें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होगी। और इसके साथ ही दोस्तों, यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि वर्तमान नकारात्मक प्रवृत्तियों तथा सर्दी से अपना बचाव जरूर रखें। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना यश में आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगी।